एक्चुअली मैं मॉर्निंग में अपने लैपटॉप पे बैठा हुआ था और कुछ एडिटिंग वगैरह के लिए प्लान कर रहा था, यमुनोत्री घूम गया, तो मेरे कमरे में एक चीज आई और ये देखो, मैं रात आ गया था गाजियाबाद से और रात को 1 बजे आया, फिर मैं सो गया। मामा जी का लड़का रहता है, उसने पाला हुआ है। ये देखो, ये मेरे इसका जो एक्सटर्नल बोर्ड है, इसका तार काट रहा है। आज आ रही है मेरी सिस्टर और उनके बच्चे, और जो मेरे भाई साहब हैं वो फार्मा कंपनी में है, तो वो रुड़की के मतलब आईएसबीटी के आसपास ही उन्हें किसी कंपनी में जाना है, तो मुझे यहाँ से बुलेट लेके जानी है और उनकी कार पिक करनी है, और मेरी मदर जो कि मेरठ गई हुई थी, मदर को, सिस्टर को, उनके बच्चों को कार से घर पे लाना है। तो देखो भैया, हम छोटे बच्चों की भी रिकॉर्डिंग। यार ये तार काट रहा है मेरा बार बार लैपटॉप का, इसको करंट भी लग सकता है, मैं कैसे रोकूं इसे? बहुत कोशिश कर ली मैंने। देखो मैं तो बहुत दिनों में देख रहा हूँ इसे, पहचानू भी ना हूँ। ये देखो, ये कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हर जगह भीड़ ही भीड़ है बुरी तरह, चाहे गाजियाबाद दिल्ली हो चाहे देहरादून हो। शहर के अंदर से तो बुरा हाल है, मतलब तो बाहर बाहर से ठीक है, कछुए की तरह 10 की स्पीड पर चलते चलते इतनी देर होगी। आईएसबीटी से यहीं घंटा घर तक आने में ही मतलब 1 घंटा लग गया। एक्चुअली हम क्लॉक टावर पे पहुंचे थे और यहाँ पे एक फेमस बफेट शॉप है, जहाँ पे गांधी पार्क के सामने, जहाँ पे कि बर्गर, बनाना शेक, चॉकलेट शेक और सैंडविच मिलता है, तो हमने सोचा थोड़ा सा खिला देता हूँ अपने भांजे को कुछ। तो मैंने तो यहाँ से बनाना शेक ले लिया है और चीज़ सैंडविच, कटलेट, और ये भी खा रही है आइसक्रीम, बनाना में आइसक्रीम जलवा के आई है। ये मुझे ही देखे जा रही है जब से, इस समय बहुत ओपरा पराया लग रहा हूँ और बिल्कुल डर रही है। और ये तो चॉकलेट से, इन सब लोगों को तो मैंने घर पे छोड़ दिया है और अब मैं जा रहा हूँ अपना जो मेरा फ्लैट है उसको किसी को दिखाने, कोई सेलर को, उसको मैं बेच रहा हूँ। लोग आ रहे हैं देखने के लिए उसको, लेकिन एक डॉक्टर जो वहाँ पे रहते हैं उनसे मैं परमिशन लेके उसको दिखाता रहता हूँ बीच बीच में, तो देखते हैं। वो डॉक्टर साहब को 18 तारीख को खाली करना था, 2 महीने हो गए उनको रहते हुए, सही वो जल्दी खाली करेंगे और इसको सेल करता हूँ। 12 अक्टूबर को क्या बेहतरीन मौसम है यार, क्या सनी डे है, क्या पीसफुल इन्वायरमेंट। बस थोड़ा सा एक ही चीज़ है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्यों सड़कों पे आजकल, इतनी नींद थी शायद आदत हो गई थी हमें, फरवरी से रह रहे हैं यहाँ पे। क्या बेहतरीन मौसम, बस सर्दी आने वाली है। ये देखो पहाड़ कितने अच्छे, यहाँ पे प्लॉटिंग होती रहती है, जमीन का रेट है 24,000 रुपये गज, 22,000 रुपये गज, 20,000 रुपये गज, 18,000 रुपये गज, तो ये सब चलता रहता है यहाँ पे। बार्गेनिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपके हाथ में कैश है तो आपको पता है डील अच्छी हो जाती है। तो अभी फिलहाल मैं अपने अपार्टमेंट पे जा रहा हूँ और वहाँ पे कोई इंटरेस्टेड है जो कि मेरा अपार्टमेंट परचेस करना चाहता है, एक्चुअली वो मेरे अपार्टमेंट को देखना चाहता है पहले। यहाँ पे ना हेलीपैड है देहरादून का, जहाँ से चार धाम की यात्रा होती है, या आप कहीं भी मसूरी का राउंड लगा सकते हैं, तो या फिर यहाँ से जोली ग्रांट जा सकते हैं, प्राइवेट हेलीपैड है। तो मतलब उसके ना मैं आपको किसी दिन ना यहाँ पे आके पूरी नॉलेज दूंगा, पूरे रेट बताऊंगा, हेलीकॉप्टर दिखाऊंगा, पूरी क्वालिटी बताऊंगा। तो बहुत ही जल्दी देखो कितना सनी डे है, सामने मसूरी है, देहरादून शहर का नॉर्थ साइड है ये, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, ओक ग्रोव स्कूल है जो कि अंग्रेजों ने बसाया गया था सामने चोटी पर, यहाँ से दिखेगा नहीं अभी। ये पैसिफिक गोल्फ अपार्टमेंट है लेफ्ट में, और पूरा कॉमर्शियल दुकान है नीचे की तरफ। ये मसूरी रोड है, मैं एक्चुअली बहुत फेमस है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल मसूरी जाते हैं लोग। और यहाँ पे मानसी डियर पार्क भी है और मेरा अपार्टमेंट भी है, और यहीं से ही रोबर्स केव के लिए कुछ छुपाने के लिए रास्ता जाता है, और ये फेमस मैक्स हॉस्पिटल यहाँ पे आ गया, और ये वाना रिट्रीट भी है, प्रीमियम वाना रिट्रीट। अरे कार की ये गाय कहाँ बैठी है, ये लेफ्ट में यहाँ पे ये रहा। अगर बंद हो गई ना तो ये है कि कोई निकालने वाला भी नहीं है यहाँ पे, और आदमी अंदर ही बंद रहता रहेगा, तो इसलिए लिफ्ट का यूज ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। और अभी मैंने अपना अपार्टमेंट दिखा दिया है कस्टमर को, और वो बताएंगे मुझे कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है, और फिलहाल मैं जाता हूँ बैक टू होम। तो ये इंद्रबाबा रोड है और अब आगे ये कैनाल रोड, यहाँ से लेफ्ट लेना है घर के लिए। काफी दिनों से मैं भी सोच रहा हूँ शूज खरीदने की, तो मेरा भाई आज डिकैथलॉन गया था, तो वहां से शूज लाया है, और शूज लाए सिर्फ 2,000 रुपये में, और कचवा डिकैथलॉन के, तो एक्चुअली ये 4,000 रुपीज में मिल रहे थे पहले, फिर ये 2,000 रुपीज में मिले, आज सेल चल रही है। इसका प्राइस कितना है, 4,500 के करीब है। पर बहुत पहले आई थी घर पे और अब आई है, अब थोड़ी बड़ी हो गई है, आपको याद हो पहले बहुत छोटी सी थी, लेटी हुई थी बेड पे, उठ भी नहीं रही थी, खड़ी भी नहीं हो रही थी। एक्चुअली मैं अभी जा रहा हूँ मार्केट देहरादून के सेंट्रल कॉमर्शियल, जो कि पैसिफिक मॉल है। मिस्टर के हस्बैंड और उनके बच्चे तो वो कह रहे थे कि मेरे साथ चलो, मैंने कहा चलो चलता हूँ आपके साथ कार में। तो मुझे भी एक्चुअली शूज़ खरीदने हैं, लेकिन मैं सेंट्रल कॉमर्शियल पूरा पहले घूम चुका हूँ, और अभी जो कुछ दुकानें मेरी रह गई, जैसे वाइल्ड क्राफ्ट रह गई है, या फिर लिफ क्लाइंबर है, या जितनी भी दुकानें मतलब ऑन रोड राजपुर रोड पे खाली हैं, वहाँ पे मैं गया नहीं हूँ, तो वहाँ पे मुझे जाना है अगर मौका मिला तो अभी, वरना सेंट्रल कॉमर्शियल घूम के आ जाऊँगा, कुछ शूटिंग कर लूँगा आपके लिए, आपको दिखा दूंगा क्या माहौल हो रहा है आज 12 अक्टूबर को 2020 में देहरादून। और ये देखो
ये मोबाइल में लगा हुआ है, हेलो कर दो, हेलो हेलो, बस कौन सा गेम है, दिखा 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 कौन सा गेम है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से गेम डाउनलोड कर लिए इसने मम्मी के मोबाइल में, टुक 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 टुक, दो दांत हैं। चलो मास्क सबको रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ देहरादून में ही क्या, मुझे लग रहा पूरे इंडिया में ही कहीं भी जाओ मास्क सबके पास होना चाहिए, वरना बिना मास्क के तो कहीं एंट्री भी नहीं है, ना किसी सेंट्रल कमर्शियल में ना किसी दुकान में, और होना भी ऐसे ही चाहिए। पहुंच गए सेंट्रल कमर्शियल यानी कि पैसिफिक मॉल देहरादून राजपुर रोड पे। तो लॉकडाउन के बाद अब खुला ही है, इसके बराबर में H&M भी है, लेमन ट्री होटल भी खुल चुका है। मैं भी मैक्स में हूँ और ये शूज़ मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और ये भी बढ़िया है, ये भी अच्छे हैं, और इनका प्राइस 1400-1500 बस इतना ही है, ये भी अच्छे हैं। कितने कौन से खरीद रहे हो इसकी, ये लास्ट ईयर मैंने यहाँ से शूज़ खरीदे थे इसके। देहरादून का जो पैसिफिक मॉल है उसमें आप देख सकते हैं ऊपर जो थर्ड फ्लोर है फूड कोर्ट है, जिसमें कि बीकानो KFC और पिज्जा हट वगैरह सब कुछ है, और जो थर्ड फ्लोर है वहाँ पे भी काफ़ी, जैसे मस्टर्ड मदर केयर, एसिक्स और स्केचर्स का है, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन है, और टोमी हिल फिलर है, गो कलर है, बाटा है, मुफ्ती, लेंसकार्ट और रेला, ये सब है, रिबोक, मैक्स और प्यूमा की दुकानें हैं, और बाकी इधर वुडलैंड है, नाइकी है, एडिडास है, और जोकी का शोरूम सामने है, लाइफ स्टाइल है पूरा एडिडास। ये ग्राउंड फ्लोर यहाँ से दिख रहा है, सुपर ड्राई कवर स्टोर, वैन हाउस एंड वुमेन, ओनली फॉर वुमेन है ये वाला शोरूम, और एक ओनली अलग से है, थर्ड फ्लोर है, और PVR सिनेमाज तो पूरा बंद है, अब तक खुला नहीं है, पता नहीं गवर्नमेंट के कब ऑर्डर आएंगे तब खुलेगा, हलकदमी रहती थी। लास्ट बार जो मूवी लगी थी वो अंग्रेजी मीडियम और ये सब लगी थी, शायद जब से ये बंद है। और यहाँ पे आर्चीज गैलरी है, बर्गर किंग है, मार्केट 99 है, और द बेल्जियन फ्राइज और ये सब कंपनियाँ यहाँ पे, द KFC है, मोती महल है, कैवेंडर्स की भी शॉप है, किस आइसक्रीम वाला बहुत फेमस है यहाँ पे, ये बहुत चकमा देता है, मतलब आप पकड़ने की सोचोगे हाथ में लेकिन पकड़ नहीं पाओगे, तो ये भी अब यहाँ पे खुल चुका है। क्या चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, यहाँ पे आइसक्रीम नहीं है, तो वही मेरे भांजे को चाहिए थी आइसक्रीम, और वो भी जियानीस की, इसने जो सिलेक्ट करी है वो चॉकलेट वाली सिलेक्ट करी है, 105 की है ना, पूरा कोर्ट है यहाँ पे, और सबवे, टेस्ट ऑफ अमेरिका, एलोपैज, मैं जब भी खुला है देखता हूँ इसमें क्या है, किस किस तरह का खाना है, दिखा अपनी आइसक्रीम दिखा कैसी है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक सुनिंदा मैं पास था मेन कोर्स दूँ, तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने पाव भाजी ऑर्डर की है 150 रुपये की, और देखते हैं कैसी बन रही है। तो एक्चुअली अमृतसरी एक्सप्रेस है, इसको मैंने पूछा कि सबसे बेस्ट क्या है जो आपके पास पूरे मॉल में कहीं ना मिले, तो इन्होंने बोला कि मॉल छोड़ो आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगा, छोले कुलचे खा लो, तो छोले कुलचे देखता हूँ मैं कैसे हैं। आ गया पाव भाजी, पनीर छोले कुलचे, तो भाई इसने चैलेंज दिया है कि ये छोले कुलचे पनीर वाले हैं और इसके जैसा स्वाद पूरे देहरादून में नहीं मिलेगा, तो देखते हैं। भाई के लिए पाव भाजी पैक करा लिए क्योंकि पाव भाजी ही सबसे टेस्टी थी यहाँ पे, और अब जा रहे हैं घर। मॉल के बराबर में ही लेमन ट्री होटल है जहाँ पे आप रुक सकते हैं आराम से, बहुत प्रीमियम होटल है, और H&M इस 20 के बराबर पे, राजपुर रोड देहरादून, तो काफ़ी उत्तराखंड का सबसे बेस्ट एरिया है। सबकी गाड़ी चली गई, सिर्फ अपनी रह गई खड़ी हुई, सब खाली हो गए यहाँ पे, बहुत सारी थी। जैसे ये भी आ रहा है नाइट में पैसिफिक मॉल का, और बिल्कुल रोड खाली हो गई है और शांत हो गया पूरा देहरादून। यहाँ पे 4.5 सेरेटन होटल है यहाँ पे पास में, और ये जाखन बोलते हैं इसको, ऊपर मसूरी रोड जा रहा है, ये सब टूरिस्ट हैं, UP 14 हरियाणा की गाड़ी पूरी मसूरी से आती है यहाँ पे। रात के 9:15 बज रहे हैं और बैक टू होम, और भाई बहुत सारा खाना खाया, शॉपिंग करी। ये छोटा सा पिल्ला, इसकी स्टोरी है कि मामा जी का लड़का यहाँ रहता है देहरादून में, तो वो रखता है इसको, एक्साइटेड है ये, देखो इसको देख के कितनी एक्साइटेड है। जूते दिखाता हूँ कैसे हैं, ये वाले जूते हैं पूरे 3800 रुपए के, ट्रैकिंग भी हो जाएगी ना इससे, तो
ये रो रहा है, ये गुस्सा कर रहा है, देखो इसकी बहन कैसे मना रही है इसको। कितना प्यार कर रही है इससे, ये रो रहा है, इसके पास गई है बनाने, मुंह दिखा अपना। एक्चुअली मैं अपना गूगल एडसेंस अकाउंट चेक कर रहा था, जिसमें पता चलता है कि हमने कितनी इनकम की है यूट्यूब से या फिर वेबसाइट से। तो काफ़ी दिन से ये 96 पे था यहाँ पर, और फिलहाल मुझे अभी दिखाई दिया 108 USD डॉलर में अर्न कर चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि यूट्यूब की एक टर्म है कि 100 डॉलर से ऊपर हो जाए तभी आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। चॉकलेट में से किट्टू को बोला कि एक सेलेक्ट कर ले, और इसने सबसे बड़ी वाली चॉकलेट उठाई है और इसको दी है सबसे छोटे वाली, और मुँह से खोल भी रही है, ये कोशिश कर रही है खोलने की।